और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी फैन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन देशमुख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव पवन लाइव। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 7 के मिशन यहां पर हमारे पास आ चुके हैं। और गाइज, यहां पर बहुत कुछ न्यू भी है जो कि मैंने अभी एक वीडियो भी डाल दिया है। कार्लो कैरेक्टर का इवेंट भी आया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। और उसी के साथ हमारा जो गिवे रहता है वीक 7 का गिवे, रॉयल पास गिवे, मैं अभी इस वीडियो में रिजल्ट निकाल देंगे और उसको यूसी सेंड कर देंगे। तो चलो गाइज, इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो गिवे निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो वीक 7 का यहाँ पर गिवे निकाल लेते हैं। और आप सभी को पता है कि मैं 3 दिन पहले ही पोस्ट डालता रहता हूँ creativepwn.com वेबसाइट पर, और वहाँ से आपको ये पार्टिसिपेट करना पड़ता है लिंक से। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं, और जिन्होंने किया है भाई उनमें से ही बंदे को ड्रॉ निकाल लेते हैं भाई। इनमें से ही कोई एक बंदा निकल जाएगा यहाँ पर, देखते भाई। तो चलो भाई जल्दी से, अरे हो जा भाई ड्रॉ, आज क्या हुआ है इनको लेट करने के लिए। तो ओके ओके हो जा भाई जल्दी से, देखते गाइस यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ड्रॉ में एक नाम आया है अजस पठान भाई का, अहमदाबाद गुजरात से भाई। तो चलो गाइज इनको मेल कर देते हैं भाई, और एक दिन के अंदर इन्होंने हमको मेल का रिप्लाई दिया तो भाई बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर। तो सब्जेक्ट है विनर ऑफ रॉयल पास, सेंड मी योर पबजी आईडी। अबे यार, ओके गाइस कॉन्फिडेंशियल, एक दिन में एक्सपायर, ओके सेंड। तो गाइस देखते हैं इनका रिप्लाई आया तो यार कर देंगे उनको कल मेल और अपना यूसी सेंड कर देंगे कल। तो ओके गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो चलो अभी मैं रॉयल पास की गिवे, सबसे पहले तो हम बीपी कॉइन से 5 खरीद लेते भाई, हर मंडे को आता है। तो ये जिन्होंने मेंबरशिप लिया है उनको ही मिलता है गाइस। तो चलो यहाँ पर मैं अभी ये कलेक्ट कर ले, तो आप सभी को पता है RPEZ की वजह से मुझे ये ज़्यादा यहाँ पर पहले वीकली मिशन एक ज़्यादा मिलता है मतलब। तो देख सकते हैं वीक 7 का यहाँ पर हमको आया है। तो चलो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने रॉयल पास अपग्रेड किया है उनके लिए क्या मिशन है। तो सबसे पहला मिशन है पिकअप अ बैकपैक लेवल 3 ओवर 10 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो आपको सबसे पहले तो लेवल 3 की बैकपैक को 10 मैचेस में उठाना है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा भाई सिंपल ड्रॉप पे जाओ, और घर में मिलता तो बहुत अच्छी बात है, और स्क्वाड खेलो। स्क्वाड में कैसे एक के पास तो भी बैकपैक रहती है, और बैकपैक एक्सचेंज करते समय गाइज आपका बैकपैक का सामान आपको खाली करना पड़ेगा, जो भी एमो गन जो भी भरा हुआ है, तो उसकी वजह से बैकपैक जल्दी ड्रॉप नहीं होता है। अगर जब ड्रॉप नहीं होता है तो आपको सामान खाली करके ड्रॉप करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को देते समय। तो कोई नहीं गाइज, जाओ जल्दी से, कंप्लीट हो जाएगा, एयर ड्रॉप लूटो, आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गाइज नेक्स्ट, किल 8 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। अगर आप भाई बहुत प्रो बंदा है तो गाइज आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, सिंपल है, आप मैं बोलूँगा यार सोलो भी खेल सकते हैं, सोलो में ज़्यादा किल होते हैं, वैसे देखा जाए तो 8 किल सोलो में हो सकते हैं, और स्क्वाड और डुओ खेल सकते हो आप, कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है इसी के, किल मोर देन 16 प्लेयर्स इन अ सिंगल मैच इन अरिना। तो गाइज ये तो बहुत आसान है भाई, अरिना जो भी TDM है अपना, उसके अंदर जाकर आपको 16 बंदों को किल करना है। तो मैं बोलूँगा अगर एशिया में होता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होता है तो गाइज सर्वर चेंज करके खेलो यार, सिंपल है। तो सर्वर चेंज करके तो आप 20-25 किल भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जाओ यूरोप सर्वर लगाओ या मिडल ईस्ट लगाओ, उसके अंदर आप खेल सकते हो। उसी के साथ इसी का ऑप्शनल है कि किल टोटल ऑफ 12 एनिमीज इन आर्कटिक मोड। तो गाइज ये वीक 7 का मिशन है, मतलब एक वीक बाद आने वाले मिशन है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 16 तारीख को हमारा आर्कटिक मोड, जो स्नो वाला मोड, ड्रोन वाला मोड है, वो आने वाला है। तो इसलिए उसके रिलेटेड यहाँ पर मिशन उन्होंने ऑलरेडी डाल दिए है, तो आप देख लेना। तो 12 एनिमीज को आपको आर्कटिक मोड में मारना है, तो ये भी आसान हो जाएगा अगर वीक 7 का मिशन। और अगर आपको जल्दी से आज ही कंप्लीट करना है तो भाई मैं बोलूँगा अरिना वाला कंप्लीट कर लो। अभी आते हैं नेक्स्ट मिशन के ऊपर, तो किल 4 एनिमीज विद ऑम इन एनी मोड। तो भाई आप सभी को पता है TDM मैप, अपना TDM मोड में भी आपको ऑम मिल जाता है बीच बीच वाले वेयर हाउस के अंदर। तो जाओ उठा लो और 4 बंदों को टपका दो भाई, आपका काम हो जाएगा। और नहीं कर सकते तो स्नाइपर ट्रेनिंग किस काम आएगी गाइज, और जाओ यार जल्दी से, स्नाइपर ट्रेनिंग में कर सकते हो ऑम। और एशिया में नहीं होता है तो भाई दूसरा सर्वर तो जिंदाबाद है, जाओ जल्दी से कंप्लीट कर लो। उसी के साथ नेक्स्ट मिशन है गाइज, अर्न यस और अबव 4 टाइम्स वाइल इन अ टीम विथ अ फ्रेंड इन क्लासिक मैच। तो आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड के साथ जब भी आप मैच खेलोगे, डुओ खेलो यहाँ पर ऐसा स्क्वाड, स्क्वाड नहीं तो डुओ में ही आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। तो फ्रेंड को लेना है और आपको अर्न रेटिंग जो रहती है, यस की रेटिंग आपको अर्न करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरे इधर देख सकते हैं गाइज, अबे यार ये क्या है,
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिक मोड में मैंने ये कल मैच खेला था चिकन डिनर वाला, तो यहाँ पर रेटिंग यस की है। उसी के साथ नीचे देख सकते हो यस यस प्लस की रेटिंग है। तो इस तरह से आप रेटिंग ले सकते हो गाइस, और इस तरह से रेटिंग के बदले में ही आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ अभी नेक्स्ट मिशन है गाइस, जिन्होंने अभी तक रॉयल पास लिया नहीं, और आप सभी को पता है आपका भाई वीकली रॉयल पास गिव अवे करता है, तो यार पार्टिसिपेट क्या करो। creativepoint.com वेबसाइट पे मैं पोस्ट डाल दिया करता हूँ 3 दिन पहले ही रिजल्ट निकालने से। तो चलो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन हॉस्पिटल। तो आपको क्या करना है कि हॉस्पिटल के रूफटॉप पे लैंडिंग करना है भाई। ये लैंडिंग वाला तो हर बार आता है मिशन, आप सभी को पता ही है। लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन एल पोजो, तो एल पोजो मिरमार कोई खेलता नहीं, तो ये छोड़ दो, हॉस्पिटल अपना आसान है और उसके ऊपर आराम से लैंडिंग कर सकते हो गाइस पैराशूट से। और उसी के साथ 8 रोस्ट मीट टोटल 6 टाइम्स इन आर्कटिक मोड। तो आर्कटिक मोड आने के बाद आपको वहाँ पर वो ठंडी छूटने के बाद भाई वहाँ पर आपको मीट खाना पड़ता है कुछ एनिमल्स को ये करके, तो वही मीट आपको खाना है 6 टाइम्स, तो उसके बाद ये मिशन कंप्लीट होगा। बट मैं बोलूँगा जाओ यार इसको छोड़ो और अपना इरंगल हॉस्पिटल वाला कर लो। उसी के साथ नेक्स्ट मिशन है गाइस, किल 3 एनिमीज विद इन 200 सेकेंड्स ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो 3 बंदों को टपकाना है 3 मिनट 20 सेकेंड के अंदर। तो 3 मिनट के अंदर अगर आपने 3 बंदों को टपका दिया तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए तो एक तो हॉट ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो ऑफलाइन बंदे हैं उनको मार सकते हो। बस यही आसान तरीका है गाइस, बाकी तो मुश्किल है। उसी के साथ नेक्स्ट है गाइस, किल 4 एनिमीज विद फ्रैग ग्रेनेड इन एनी मोड। तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा गाइस कि TDM मोड में आप किल कर सकते हो, और अगर TDM मोड में नहीं होता है, सपोज मतलब बहुत मुश्किल जा रहा है आपको करने के लिए, तो आप क्या करना, नेड हाथ में लेके एनिमी के साथ उधर एकदम नज़दीक क्लोज जाके नेड को अपने हाथ में ही फोड़ देना। तो इससे क्या होगा, आपको किल मिल सकता है गाइस। ये ट्राई करके बताना और कमेंट भी करना कि भाई आपको इससे किल मिला या नहीं मिला, मतलब ये मिशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस जाओ जल्दी से ट्राई करो। और उसी के साथ है कंप्लीट 8 मैचेस इन आर्कटिक मोड। तो यहाँ पर भाई आर्केड मोड है, सॉरी गाइस, यहाँ पर आर्केड मोड में आपको 8 मैचेस खेलना है। तो भाई क्या है आर्केड मोड, मतलब क्विक मैच खेलना है भाई। जाओ जल्दी से कंप्लीट करो, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये मिशन। उसी के साथ नेक्स्ट है किल 20 एनिमीज विद द PP19 बाइजन और द MP5 के SMG इन क्लासिक मोड। तो आपको 20 बंदों को टपकाना है, PP19 बाइजन गन जो है 53 बुलेट्स आती है रिलोडिंग में 1 टाइम। और उसी के साथ अगर वो नहीं मिलता है तो आपको MP5 के गन तो मिल ही जाएगा क्लासिक मोड में, तो आपको उससे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गन के अंदर SMG कहाँ है, इधर है, और MP5 के गन आपको दिखा देता हूँ जिसका कि हमको स्किन मिला है ये रॉयल पास के अंदर, इसको बोलते हैं PP19 बाइजन, और जो MP5 के गन है वो ये है भाई। तो इन दोनों में से आप किसी को भी लेके किल कर सकते हो गाइज। तो 20 किल करो और मिशन कंप्लीट कर दो यार। और लास्ट मिशन है गाइज किल 30 एनिमीज विद AKM इन अरिना। तो भाई ये तो आपका एक मैच में भी कंप्लीट होगा या 2 मैच में कंप्लीट होगा लास्ट। तो जाओ जल्दी से कंप्लीट करो, AKM उठाओ अरिना TDM मोड में और कंप्लीट कर दो भाई। तो गाइज यही था यार आज की ये मिशन में, और यार जल्दी से 200 के फैमिली कर दो यार अपनी कंप्लीट, जस्ट 15 के क्लोज है गाइज। तो मिलते हैं यार कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय।